Welcome back with another video with Irish Park Reaction Channel. So guys, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है you're doing good and right. And you had a wonderful blast. I mean, you enjoy your celebration of New Year. And obviously, we do as well. And I'm just going to react in a video which is very famous and people are requesting me to give the reaction on this video. So अमृतसर में ये बुजुर्ग होते हैं 70 years old अंकल सेलिंग लुच्ची पुड़ी चने अमृतसर स्ट्रीट फूड इंडिया पाकिस्तान रिएक्शन. तो देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है हमारे लिए. अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट बैक इनटू द वीडियो गाइस. 1 2 3 अमृतसर में जायके की तलाश में हम मिले 70 साल के बुजुर्ग बाबा जी से जो कुछ अलग सी चीज बेच रहे थे. इस उम्र में उनकी मेहनत और चने लग रहे हम वहीं रुक गए और फिर बस मानो मजा सा आ गया. मैं हॉल बाजार गेट रोड पे और यहाँ पे ये अंकल जी जो है बढ़िया सी भाई भटूरे भटिया से चने बेच रहे हैं. मैं आपको अगर लुच्ची पुड़ी बोलते हैं इसे छोले भाई. ये देख सकते हैं आप इनकी पूड़ी रखी हुई है. ये भटूरे जैसी लग रही है कुछ मैदा की होती है. बहुत बढ़िया अंकल जी. कितने सालों से बेच रहे हो आप? कितने चेक करो इनके कितने सारे भटूरे यहाँ पे रखे हुए हैं और बहुत ही अमृतसर में लोगों को यहाँ पे पसंद है इनके भटूरे और छोले. अंकल जी एक बार छोले दिखाएंगे. क्या बात है. इसमें क्या क्या प्याज टमाटर वगैरह डालते हो? सिर्फ मसाले? मसाला भी बस नमक? अरे क्या बात है. तो अंकल कितने रुपए का देते हो ये? 25 रुपए के दो. तो बहुत बढ़िया थी. बहुत अच्छा बनाते हैं. रोज आओ, रोज आप अमृतसर में ही रहते हो? अमृतसर में ही रहते हैं. मेरा बेटा इनका बहुत शौकीन है. बहुत अच्छा. जब मैं छोटा था तब भी खाते थे. आज भी खा रहे हैं. आज भी खा रहे हो? आज भी. क्या बात. बहुत अच्छा बनाते हैं. बहुत अच्छा है. मतलब काफी साल हो गए इनको. क्या बात है यार. अब ये खाना. अब ये खाने. पानी आ गया मुंह में. लेकिन ये खाने जरूर है. चलो जी बहुत बढ़िया. धन्यवाद. टेस्टी बनाते हैं अंकल इसलिए. क्या आगे इनके एक बार दिखाना जरा कैसे हैं. पतले पतले भटूरे से हैं और काफी एकदम पतले कागज जैसे हैं. बना दो जी. ये आगे जी भटूरे और ये इनके उन्होंने सिगड़ी लगा रखी है यहाँ पे. इसी पे ये गरम करते हैं. और क्या क्या रखते हो आप इसके अलावा? चटनी? चटनी भी है. तो ये आप खुद ही बनाते हैं या किसी से बनवाते हैं? बनवाते हो? अच्छा. ये आगे जी चने. वैसे अमृतसर में कितने सालों से रह रहे हो आप? शुरू से? अच्छा जी. हमारा गांव फील्ड है कैंटपुर में. कहाँ पे? कैंटपुर में. कैंटपुर में? कैंटपुर नहीं, कैंटपुर. तो बच्चे भी यही रहते हैं सब? बच्चे. तो भाई काफी लोग हैं जो इनके चने पूड़ी. कैसे लगते हैं इनके चने पूड़ी? बढ़िया 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 बढ़िया. आप खाते रहते हो? डेली खाते हो? नहीं डेली नहीं खाते. जब दिल करे खाते हैं. जब दिल करे खा लेते हो. और लोग जो हैं भाई इनके चने पूड़ी वाकई पता चल रहा करा के ले जाते हैं. टेस्टी इतने लग रहे. जितनी भी पैक करा लो जो कलर आता है ना चने का. अंकल बढ़िया बनाते हैं. तो आप महीने में कितनी बार खा लेते हो? 5-6 बार. अंकल जी कितने बजे तक बैठते हो? तो भाई लोग जो हैं 5-5, 10-10 प्लेट भी पैक करा के ले जाते हैं. क्या नाम है आपका? नगड़िया. कितनी प्लेट पैक करा के ले जा रहे हो? 6 प्लेट. क्या बात है. पूरा आज डिनर इसी से होगा है. तो भाई ये है वो लुच्ची पूड़ी जो अंकल बेच रहे हैं यहाँ पे और साथ में ये चने के साथ देते हैं. तो अंकल एक प्लेट लगाओ हमारे लिए भी. हमें नहीं खिलाओगे क्या? ये आगे जी दो लुच्ची पूड़ी. लुच्ची पूड़ी बोलते हैं इन्हें? अच्छा भाई पतली पतली है एकदम बढ़िया सी.
और मैं आपको दिखाऊंगा ये साथ में क्या क्या रखते हैं। ये सिगड़ी नीचे लगी हुई है, कोयला उस पे गर्म होता रहता है ये। और साथ में ये आगे जी चने, और अंकल जैसा बता रहे हैं इन चनों में कुछ भी सिंपल नमक मिर्च। वाह जी वाह। ये चटनी किस चीज की अंकल? इमली की। भाई ये चटनी भी रखी हुई है यहाँ पे इमली की। और बड़ा छोटा सा सेटअप है, और जगह यही रहती है आपकी? यहीं बैठते हो? यहीं बैठते हैं। तो एक इन्हें भी दो, लो खाओ आप। लो 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 लो, खाओ खाओ, हमारी तरफ से आप खाओ। आपने पहले खाया है कभी? हाँ जी हाँ जी। खाते हो आप भी? खाते। बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। हाँ जी हाँ जी। तो अंकल जी लगभग कितनी पूड़ियाँ ले आते हो डेली? कितनी? 100? 150। 150 पूड़ी। और भाई शाम होते ही यहाँ पे कस्टमरों की भीड़ लग जाती है, सब खाने आ जाते हैं। अंकल लुच्ची पूड़ी चने और चने ये तैयार है जी। प्लेट कितने रुपए की? 25 रुपए की। भाई ये हमारी प्लेट भी आ चुकी है सिर्फ और सिर्फ 25 रुपए में। लुच्ची पूड़ी आप देखेंगे काफी ज्यादा पतली है, ये देखो भाई बहुत बढ़िया। थोड़ा एक हाथ से खाना मुश्किल होता है, बहुत ही पतली है। साथ में ये चने और ये इमली की चटनी। वाह भाई वाह। चने बहुत ही सिंपल है, साथ में इमली की चटनी है वो अलग खटास दे रही है। और ये पूड़ी भी बहुत बढ़िया है, भटूरा नहीं है ये, पतली सी पूड़ी है उसमें चने और इमली। मज़ा आ गया भाई। सिर्फ और सिर्फ 25 रुपए में इतना सब कुछ ये दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। इसी तरह वीडियो पसंद जरूर यार बताते हैं अभी वीडियो में। अगली वीडियो में टिल देन टेक केयर, गुड बाय। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। जैसा कि आपने देखा कि हम यूजुअली इसको हलवा पूड़ी बोलते हैं, हलवा तो नहीं है इसमें, हलवा पूड़ी चने ये एक सौगात होती है। अक्सर आप लोगों ने भी खाई होगी डेफिनेटली। तो उन्होंने भी यही पूछा था कि ये वो तो नहीं है मेरे। जैसे मैंने जैसे देखा, मैंने कहा यार कितने मज़े के, क्योंकि मैं खुद भी बनाता हूँ ये चने। इसको छोले भी बोलते हैं, चने भी बोलते हैं। इसमें टमाटर वगैरह सारा कुछ डाल के, अगर आपने एक इसको बोलते हैं चिक्कड़ चने, जैसे चिक्कड़ जैसे मड नहीं होता उसका कलर होता, तो उससे वो इट्स ट्राई फ्रॉम देयर कि चिक्कड़ मतलब कीचड़, जिसको हम चिक्कड़ भी बोलते हैं, चिक्कड़ चने कीचड़, वो कीचड़ ही, चिक्कड़ को कीचड़ ही बोलते हैं बेसिकली। तो वहाँ से निकला, छोले भी बोलते हैं, तो ये हम इसको चिक्कड़ छोले चिक्कड़ चने वो भी उसको बोलते हैं। तो बहरहाल जैसे मैंने वो देखा, तो उन्होंने जब पूछा कि ये कैसे बनाए, टमाटर वगैरह डाले हैं, प्याज भी नहीं डाला, तो कुछ भी नहीं डाले, ऐसे उस उन्होंने मसाले के अंदर ही उन्होंने बनाए हैं। तो बड़ी बात है, हो सकता है वो मसाला जो मिलते हैं मतलब चना बनाने के लिए जो मसाले, हो सकता है हाल ही उन्होंने वो ही डाल के बना लिया हो, मगर फिर भी बड़ी बात है यार। वो उनका एक्सपीरियंस भी होगा, 70 साल की उम्र है, तो बता रहे थे कि यहाँ पर एक भीड़ लग गई है, लोग आते जा रहे हैं लेते जा रहे हैं, तो छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं। वो कहते हैं हम तो काफ़ी देर से ही, जब हम छोटे थे तब भी इनसे खाते, तो इसका मतलब है कि वो काफ़ी पुराने हैं बुजुर्ग हैं जो वहाँ पर बैठते हैं अमृतसर में। तो वो बहरहाल पता नहीं वो कैसे बनाते होंगे, मतलब उसमें प्याज डलती है, फिर उसके बाद अदरक डलती है, फिर लहसुन डलती है एक चुटकी, क्योंकि ज़्यादा लहसुन डालें तो टेस्ट थोड़ा ख़राब हो जाता है, उसका टेस्ट आना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें डाल के जितने भी मसाले वगैरह हैं, और फिर जो प्याज वगैरह और सारा कुछ डाल डूल के, तो फिर मैं तो ऐसे बनाता हूँ। तो ये वैसे बना रहे, बड़ी बात है यार, और टेस्ट भी बड़ा अच्छा है। और दूसरी बात, प्राइस पे अगर देखा जाए तो 25 रुपीज़ कुछ भी नहीं कहते ये, 25 रुपीज़ समझ लें कि पाकिस्तान के 50 रुपये हो गए, इंडिया के 25, तो बड़ी बात है यार। और हलवा पूड़ी वैसे अगर खाने जाएं यहाँ से भी तो इतनी महंगी मिलती है, और इन्होंने बड़ा माकूल रेट रखा हुआ है, मतलब मुनासिब सा रेट रखा है कि मतलब सारे अफोर्डेबल रेट है बेसिकली, जो कोई भी आए वो भी खा सकता है मतलब आके। तो वो 150 बेचते हैं, 150। तो हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद उनकी
लोग और मजीद उनके पास जाना शुरू हो जाए या वो ऐसा सेटअप बना जाए कोई सपोर्ट उन्हें कर दे। तो स्ट्रीट फूड की यार अपनी ही बात होती है, लोग आते हैं गप्पे शप्पे लगाते हैं खाना शाना खाते हैं और फिर निकल जाते हैं। तो आप बताइएगा अगर आपको अमृतसर से अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं रिएक्शन वीडियो, तो बताइएगा आपका अगर जाना वहाँ पे हो तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो ये थी गाइस आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी है हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ सेल्फ एंड बाय बाय।